हेलो फ्रेंड, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे जियो फाई थ्री राउटर वाटर डैमेज प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाए। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें सिम कार्ड निकालना है। अगर गलती से जियो फाई थ्री राउटर पानी में गिर गया होगा तो सबसे पहले हमें उसकी बैटरी को निकालना है। बाद में ये प्रोसीजर दोहरानी है, जिसकी वजह से हमारा वाटर डैमेज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जियो फाई थ्री राउटर के चार स्क्रू खोलेंगे जो ऊपर दिए गए हैं। इसमें दो हिडन स्क्रू आते हैं, उसे भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ये चार स्क्रू निकाल लेते हैं। यह हमारे स्क्रू कंप्लीट हो गए हैं, अभी हमें दो हिडन स्क्रू निकालने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही दिलचस्प और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम जो दो हिडन स्क्रू है उसको निकालेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकाल के लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है वो दो हिडन स्क्रू। ये है पहला हिडन स्क्रू, उसको भी निकाल लेंगे। उसके साइड में दूसरा हिडन स्क्रू है, उसे भी हमें निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों स्क्रू निकालने के बाद हमारा जियो फाई थ्री राउटर खुल जाएगा। उसके बाजू में एक हिडन स्क्रू है, उसको भी निकालेंगे। ये स्क्रू निकालने के बाद हमारा जियो फाई थ्री राउटर खुल जाएगा। उसके बाद हमें उसको साफ करना है। देखिए, हमारा ये जियो फाई थ्री राउटर खुल गया है। तो हम थोड़ा सा पेट्रोल लेंगे और ब्रश की मदद से इसे साफ करेंगे, ताकि वाटर निकल जाए। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा पेट्रोल लेंगे और ब्रश की मदद से हम इसे साफ करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे पेट्रोल से साफ करेंगे। अगर आपके पास हॉट गन नहीं है तो आप ये साफ करने के बाद थोड़ा 2 मिनट तक धूप में रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये साफ हो गया है हमारा अच्छी तरह से। पूरा वाटर यहाँ से निकल गया है। ये हमारा क्लीन हो गया है। तो फ्रेंड्स, हम इसे हॉट गन की मदद से ड्राई करेंगे, या 2 मिनट या 5 मिनट इसे धूप में रखना है। अगर आपके पास हॉट गन नहीं है तो आप इसे ऐसे ही धूप में 2 मिनट तक रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्राई हो चुका है। अब इसे हमने जैसे खोला था वैसे ही इसके चारों स्क्रू लगाएंगे और दो हिडन स्क्रू लगाकर इसे पैक करेंगे। पैक होने के बाद हमें इसको चालू करके देखना है। अगर चालू भी हो चुका है तो भी हमें इसे हार्ड रिसेट मारना है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो तो वो निकल जाएंगे और हमारा जियो फाई थ्री राउटर प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। ये हमने हिडन स्क्रू लगा लिए, उसी तरह से बाकी के स्क्रू लगाने हैं हमें। इसके स्क्रू लगा के हम चालू करके देखेंगे और उसके बाद हमें हार्ड रिसेट कैसे करना है ये सीखेंगे। हार्ड रिसेट करने के बाद जो हमारा बॉक्स पे जो पहला पासवर्ड आता है
वही पासवर्ड हमारा रिसेट हो जाएगा। अगर आपने जियो फाई थ्री का राउटर का पासवर्ड चेंज कर लिया है, तो हमारा जो हार्ड रिसेट करने के बाद हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो बॉक्स पे है वही हो जाएगा। आप इस पे भी देख सकते हैं आपका पासवर्ड क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सिम कार्ड डालेंगे। सिम कार्ड अच्छे से डालना है। यहाँ पे जो दिए लोगो दिया है वैसे ही डालना है। अभी हमें सिर्फ बैटरी डालनी है और जियो फाई थ्री हमारा वाटर डैमेज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यह हमारा जियो फाई थ्री राउटर चालू हो गया है। अभी रेंज आने का इंतज़ार करेंगे। अगर इसमें रेंज आ गई तो हमारा वाटर डैमेज प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें एक बार इसे हार्ड रिसेट मारना है। देखिए फ्रेंड्स, ये रेंज आ गई है। हार्ड रिसेट करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिए गए छोटे से होल को पिन पिन डालकर 4 या 5 सेकंड तक रखना है, तो हमारा जीवो फाई थ्री राउटर बंद हो जाएगा। यह हमारा हार्ड रिसेट हो चुका है। हार्ड रिसेट की प्रोसीजर बहुत सिंपल है। देखेंगे आप, ये रिसेट होने के बाद थोड़ा टाइम लेगा चालू होने में और रेंज आने में भी थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ये रिसेट हो चुका है और इसका पासवर्ड जो पहले था वही हो चुका है जो हमें बॉक्स पे है, जो हमारे जियो फाई थ्री राउटर के बैटरी के नीचे लिखे वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी रेंज भी आ गई है और हमारा जियो फाई थ्री राउटर अच्छे से रिपेयर हो चुका है, इसे हम लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बंद करके देखेंगे। ये बंद हो रहा है, बंद हो चुका है।